आज के वीडियो में आपको एक सिख महिला के बारे में बताएंगे जिसने 100 के करीब दुश्मनों को अपने श्री साहिब से मौत के घाट उतार दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले सिख मर्दों की तरह सिख महिलाएं भी बहुत बहादुर होती थी। ऐसी ही एक सिख बीबी का नाम है बीबी दीप कौर जी। आइए इनकी कहानी जानते हैं। एक बार संगत गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए आ रही थी बीबी दीप कौर जी को यह पता चला तो उनकी इच्छा गुरु पिताजी के दर्शन करने की हुई। उन्होंने सोचा कि सिक्खी स्वरूप गुरु जी ने उन्हें बख्शा है, इसलिए इसका शुक्रिया किया जाए। तो वह रास्ते में बैठकर संगत का इंतजार कर रही थी। इतने में कुछ तुर्क दुश्मन आ गए और उन्होंने बीबी दीप कौर जी को घेर लिया। दुश्मन को उनको देख बोली, मैं नहीं हारूंगी, तुम्हें मेरे पिता का नहीं पता है। बीबी को ध्यान आया कि दुश्मन का अफसर उनकी इज्जत को लूटने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें श्री साहिब का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि श्री साहिब क्यों रखी है, तो बीबी जी ने श्री साहिब निकाली और बाबा दीप सिंह जी की श्री साहिब जैसे ही उनकी श्री साहिब निकली, बस फिर एक झटके में ही घोड़े पर बैठे अफसर को मारकर नीचे गिरा दिया और उसकी तलवार अपने हाथ में लेकर उसी के घोड़े पर बैठकर श्री साहिब घुमाई। तो मेरी श्री साहिब घूमती ही गई और दुश्मन वैरी एक एक करके खत्म होते गए। देखते ही देखते उनके बहुत सारे दुश्मन मारे जा चुके थे। 100 के करीब दुश्मन थे जिसमें 60 से 70 दुश्मन काट दिए और बाकी के अपने अफसर को मरा हुआ देखकर भाग खड़े हुए। हम भी जख्मी हो चुके थे। संगत दूसरी तरफ से निकलकर आनंदपुर साहिब चली गई। एक दो सिख उनसे बिछड़ गए, रास्ता भटक गए और वह हमसे आ मिले। फिर मैं एक सिख के घोड़े पर बैठकर आनंदपुर साहिब चली गई, उसी तरह जख्मी हालत में। सामने गुरु गोविंद सिंह जी ने दीवान लगाया हुआ था। नई संगत वहां पर पहुंचकर बैठ गई जिसकी गिनती 60 से 70 तकरीबन थी। तो दशमेश पिताजी ने वचन किया, हमारी प्यारी पुत्री कहाँ है, हमें उससे मिलना है, हम उससे मिलना चाहते हैं। तब जो दो सिख हमारे साथ वह मुझे गुरु जी के पास ले गए थे तो उन्होंने गुरु जी के पास मुझे पहुंचाया। तो गुरु जी ने गलवकड़ी में लेकर फिर मुझे प्यार से मेरे जितने भी जख्म थे उन्हें साफ किया, अपने परने से लहू को साफ किया, उनका परना लहू से भर गया था। गुरु जी ने स्वयं ही मेरे जख्मों पर पट्टी बांधी। तो इस तरह गुरु से प्रेम है तो गुरु से मिलाप हो सकता है। यह कहानी थी बीबी दीप कौर जी की, जो मर्द सिखों की तरह ही मर्द महिला बहुत बहादुर थी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।